देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से, जहां चिकित्सक अधिकारी हुआ गिरफ्तार, विजिलेंस के हाथों खुद को बताया बेकसूर। मुख्य चिकित्सक अधिकारी प्रयागराज कार्यालय में कार्यरत पंकज कुमार पांडे, जो कि चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज के पद पर कार्यरत है, एसपी विजिलेंस शैलेश यादव की टीम के साथ राजकुमार गुप्ता निवासी प्रतापगढ़ द्वारा दी गई सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि उन्होंने राजकुमार गुप्ता फाफामऊ स्थित पाली क्लिनिक को पुनः लाइसेंस दिलवाने के वायदे कर 70,000 की मांग की थी, वह 35,000 नगद मांग की थी। राजकुमार गुप्ता ने केंद्रीय सक्रियता एवं विजिलेंस को इसकी सूचना दी और विजिलेंस विभाग ने मुख्य चिकित्सक अधिकारी आवास के बाहर पांडे को माल रुपए के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर पंकज पांडे जो का कहना है कि चिकित्सक अधिकारी महोदय के अनुसार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दिशा निर्देश को निर्देशित करते हुए मैंने और मेरी टीम ने कई नर्सिंग होम एवं पॉली क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करी थी, जिसके राजकुमार गुप्ता जी की भी पॉली क्लिनिक थी और राजकुमार गुप्ता ने बदला लेने के और मुख्य चिकित्सक अधिकारी कार्यालय को बदनाम करने के लिए उपरोक्त साजिश रची। पांडे ने खुद को बेकसूर बताया एवं पूरे घटनाक्रम को एक साजिश के तहत बताया है। ये जो मैंने छोटे हॉस्पिटल इसका निलंबन हुआ था, बाल बाल ये लोग बहाल करने के अनाधिकृत लोगों से फ़ोन कराते थे और फ़ोन कराने के बाद एक दबाव बनाते थे। आज तो मैं मेला क्षेत्र में था, मुझे सवेरे से 10 बार फ़ोन किया, मेरे हाथ में पैसा न रख के मेरे जेब में पैसा रख के इन लोगों ने मुझे पकड़वाया। क्या साजिश किया गया है, क्या मानते हैं? 100% क्यों, आप मीडिया के लोग हैं और सही खबर लोगों तक प्रचारित करना चाहते हैं, तो आप इसकी जाँच करवाइए। पिछले 4 महीने में मैंने 20 से बड़े नर्सिंग होम को मैंने सीज किया है, इसकी आप जांच करवाइए। क्यों साजिश क्यों किया गया, क्या मान रहा है इसका? जो पहले लोग काम करते थे उनका एक काकस, वो आज भी लोग उसी कमरे में बैठते हैं और ये साजिश के तहत ऐसा करवाया गया, ये आप लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं। ये पंकज कुमार पांडे, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जनपद इलाहाबाद, जो सीएमओ कार्यालय से संबद्ध हैं, इनके के बारे में एक शिकायत मिली थी 2-3 दिन पहले। हम लोग इसकी जांच करवाए, जांच में ये मालूम हुआ कि इनको सीएमओ ने पाली क्लिनिक वगैरह जैसे हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते हैं और ये मेडिकल स्टोर वगैरह के लाइसेंस के लिए प्राधिकृत किया था। तो इस क्रम में एक वहाँ का प्रतापगढ़ के आदमी ने जो है अप्लाई किया था पाली क्लिनिक के लिए, उससे इन्होंने 70,000 रुपये की मांग की थी। ये शिकायत हमको प्राप्त हुई, शिकायत की हमने जाँच करवाई, जाँच में पुष्टि हुई कि इनकी आम सुहरत जो है वो ठीक नहीं है और इस तरह की शिकायतें इनके बारे में मिलती रहती हैं। इसके बारे में फिर वादी के द्वारा जो है धनराशि प्राप्त करके लगभग 35,000 रुपये, उस पर ऊपर जो हम लोग अपनी कार्रवाई करते हैं प्री ट्रेप की, वो कार्रवाई वगैरह करके पैसा दिया गया और पैसा ले जा करके वादी ने उनको दिया और वादी के देते समय हमारी टीम उनके साथ लगी हुई थी, उसने रंगे हाथों इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनको थाना जांच टाउन इलाहाबाद भेजा गया है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब